2023 आपका पोर्टफोलियो कितना होगा? दोस्तों, पोर्टफोलियो की बातें फिगर्स में की जाती है, 2 गुना 5 गुना 10 गुना। अर्निंग की बातें दोस्तों फिगर में की जाती है कि मुझे हर साल मेरा पोर्टफोलियो इतनी अर्निंग दे रहा है, ये 2030 में क्या होगा, ये कैसे दोस्तों हम लोग बता सकते हैं फिगर में, कैसे बता सकते हैं फिगर्स में। दोस्तों, कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो को इसी प्रकार से बढ़िया फिगर्स में देखेंगे और कुछ लोगों के पास 2030 में भी फिगर्स में रखने लायक बात नहीं होगी, उनकी बात होगी लंबी कि ये कारण की वजह से मैं अच्छा नहीं कर सका। फिर वो कारण चाहे कुछ भी हो सकता है, मेरी एज बहुत ज्यादा थी, मैं नहीं कर सका। तो दोस्तों, ये बहाना देने से पहले सोचिएगा कि अपोलो हॉस्पिटल के जो फाउंडर है वो किस प्रकार से आगे आए। दोस्तों, मेरे पास बहाना हो सकता है कि मेरी एज बहुत कम थी, आई वॉज टू यंग फॉर दिस थिंग। तो ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों कि ओयो होटल्स के फाउंडर की एज क्या है। मेरा ये बहाना हो सकता है कि मेरा एजुकेशन बहुत हाई नहीं था। आपके पास कितने ही लिस्ट है दोस्तों उन लोगों की जिनके पोर्टफोलियो, जिनकी कंपनीज आज दोस्तों बड़े बड़े नाम में आ चुकी है। मेरे पास ये बहाना हो सकता है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं पैसे ही पैसे को खींचते हैं। अगर ऐसा होता तो आज रिलायंस का नाम इतना बड़ा नहीं होता। और ये दशक में आपने देखा होगा 2000 से लेकर 2020 में कितनी ही कंपनियां कहां से कहां आ गई जिनके पास इनमें से कोई भी चीजें बैकग्राउंड में नहीं थी। तो दोस्तों, अब मेरे साथ कहिए 2030 में। मैं दोस्तों फिगर्स में बात करना चाहता हूं कि मैं अनलिमिटेड एक्सक्यूजेस में बात करना चाहते हूं, ये दोनों चीजें दोस्तों साथ में नहीं आ सकती है। या तो मेरे पास लिस्ट होगी या मेरे पास यह फिगर होगी। दोस्तों, आप क्या चाहते हो? तो ये जो गैप है लो पोर्टफोलियो टू अनलिमिटेड पोर्टफोलियो, ये गैप को फिल करती कर सकती है दोस्तों हमारी स्किल बिल्डिंग। दोस्तों, हमने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं स्विमिंग इसलिए नहीं सीख सका क्योंकि ये कारण है, मैं ये इसलिए नहीं कर सका क्योंकि ये कारण है। उसके साथ आपने कई लोगों को देखा है कि जो लोगों ने अनलिमिटेड थिंग अचीव की है इन सब कारणों के बावजूद। तो दोस्तों, हम तैयार हो जाते हैं मिशन 2030 के लिए। मुझे पूरा विश्वास है पिछले इतने सालों में मैं हजारों इन्वेस्टर से मिला हूं जिनके कोई बैकग्राउंड नहीं थे, जिनमें स्किल्स नहीं थी, कई हजारों कमियां हो सकती थी, पर वो लोग दोस्तों जबरदस्त सफल हो पाए हैं और आप भी जरूर होंगे। सो वेलकम ऑन द बोर्ड फॉर द वेल्थ क्रिएशन फॉर 2030। ये रास्ता है CM to WC, CM कॉमन मैन टू WC वेल्थ क्रिएशन। ये रास्ता जरूर सब लोग मिलके प्राप्त करेंगे। दोस्त, पिछले इतने समय में हम लोगों ने कई स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन देखे जिन्होंने खुद सीखा, इंप्लीमेंट किया और आज ऊंचाइयों पे छूते चले जा रहे हैं। दोस्तों, लर्निंग के दो मेथड्स होती है। एक मेथड को कह सकते हैं हम प्रॉपर सिस्टमेटिक लर्निंग। एक सिस्टम्स आप लोगों को दी गई, वो सिस्टम के आधार पर आप आगे बढ़ते हो, नो डाउट दैट इज अ वेरी गुड लर्निंग मेथड। और सिस्टम लर्निंग में ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक सिस्टम में लर्न कर रहा हूं, वो सिस्टम के अंदर ही मैं रहता हूं और मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। अ सॉफ्टवेयर बेस्ड लर्निंग, सिस्टम लर्निंग में कुछ ऐसा हो जाता है कि इसी सिस्टम से चलना है, इसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलना है। दोस्तों, हमारी जो थिंकिंग हो जाती है वो लिमिटेड थिंकिंग हो जाती है। दोस्तों, उसका पूरा उल्टा है फंडामेंटल बेस लर्निंग।
जहां पे हम हमारे फंडामेंटल्स को इतने हाई क्लियर करते हैं कि उन्हीं फंडामेंटल्स के आधार पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम कर पाते हैं। दोस्तों हमारी थिंकिंग अनलिमिटेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझे इतना ही सोचना है, मुझे अनलिमिटेड सोचना है। दोस्तों आपने दो चीज देखी होगी, ट्रेन चल रही होती है अपनी पटरी पे, वो भी एक रफ्तार पे चलती है, वो भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, पर वो जो ट्रेन पटरियों पे चल रही होती है वो पटरियों पे दौड़ती है। वो कहां तक चलेगी? जहां तक पटरी है। दोस्तों उसी प्रकार से आपने प्लेन देखे होंगे, एरोप्लेन, एरोड्रम में उनको भी एक रोड दिया गया है कि तुमको ये रोड पे चलना है। एरोप्लेन वो रोड पे चलता है, पर एक जगह आने पे उसमें उड़ान आती है और वो एक अनलिमिटेड आकाश में चला जाता है, जहां पे ऊंचाई उसकी और होती है, स्पीड और होती है दोस्तों, डेस्टिनेशन और होते हैं। ये जो प्लेन वाली जो लर्निंग है, दैट इज अनलिमिटेड थिंकिंग। और ये जो लर्निंग पहले हमने बताई, दैट वॉज लिमिटेड लर्निंग। आप लोगों ने जो अपने फंडामेंटल्स को क्लियर किए, अब दोस्तों उन्हीं फंडामेंटल को लेके क्रिएटिविटी ऐड करनी है और हमें लाइफ में और सक्सेस होता जाना है। पास्ट आपकी जो एक्सरसाइजेस थी वो इसी फंडामेंटल्स के नतीजे थे, और भविष्य में जो मिशन 2030 पे हम चल रहे हैं वो भी इसी फंडामेंटल्स के नतीजे है दोस्तों, नतीजे होंगे। दोस्तों H1 रिजल्ट इस शुक्रवार से आ जाएंगे, फ्राइडे से TCS का रिजल्ट है। मैं चाहूंगा अब तक इंडिया ने बहुत से एनालिस्ट के रिजल्ट अपडेट देखे होंगे, राइट? वो एनालिस्ट है, वो कर सकते हैं कि ये नतीजा है HDFC बैंक का, हम ये उम्मीद रखेंगे। पर दोस्तों इस बार H1 के जो नतीजे हैं वो आप लोग प्रेजेंट करने वाले हो। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑल वेल्थ क्रिएटर्स रिजल्ट, वेल्थ क्रिएटर्स एंड दो स्टॉक्स विच रियली अफेक्ट्स द मार्केट, राइट? तो आने वाले 2 महीने में हम स्टूडेंट्स के द्वारा नतीजे अपडेट करते हुए देखेंगे और उन्हीं को प्रेजेंट करता हुआ दोस्तों आप लोग देखोगे। तो इसमें पार्ट लेने के लिए इसी वीडियो के नीचे हमने फॉर्म रखा हुआ है, उस फॉर्म को क्लिक करके अपना नाम दर्ज कराइए। मेरा रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सरसाइज है ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि उनके पीछे, उनके साथ हम लोगों ने कई एक्सरसाइजेस किए हैं, तो उनको कुछ नया नहीं सिखाना है, राइट? पर अगर कोई नए स्टूडेंट ने डायरेक्टली पार्ट ले लिया तो हमारे लिए वो बहुत बड़े चैलेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो गूगल फॉर्म है ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट भर सकते हैं, उनको हमारी ओर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। किस प्रकार से आप लोग सीखे हुए हो 95% थी, उसमें सिर्फ ये 5% रिजल्ट अपडेट हमें ऐड करना है। तो जून बैच भी इस एक्सरसाइज में पार्ट ले सकती है, और पुराने सारे स्टूडेंट जो इतने बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट फ्रेंड्स? सो दिस वाज एन अपडेट, लेट अस बिगिन द लर्निंग फ्रॉम लिमिटेड लर्निंग टू अनलिमिटेड लर्निंग। दोस्तों नेक्स्ट बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाएगा, राइट? नेक्स्ट लैरी पेज गूगल नहीं बनाएगा। तो आप लोग जो है, आप नेक्स्ट रिसर्चर हो जो बहुत आगे बढ़ने वाले हो। एक फिक्स थिंकिंग नहीं, वी नीड अनलिमिटेड थिंकिंग, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी। आइए दोस्तों मिलके वर्ल्ड को, इन्वेस्टर्स को हाई क्रिएटिव आइडियाज और वेल्थ क्रिएटर दे। दोस्तों जो दोनों इवेंट है, ये दोनों इवेंट हमारे काम के हैं। शुक्रवार से, फ्राइडे से रिजल्ट चालू हो जाएंगे। सो दिस इज अवर फर्स्ट इवेंट विच विल लास्ट फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ। तो आने वाले 1.5 महीने तक ये पूरी एक्सरसाइजेस चलेगी, जहां हम सब लोग मिलकर रिजल्ट अपडेट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इवेंट फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। दूसरा इवेंट 28 अक्टूबर से नेक्स्ट न्यू बैच स्टार्ट होगी। जो लोग इस अनलिमिटेड वर्ल्ड में एंटर होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, वेल्थ क्रिएशन पे आगे बढ़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।